नमस्कार। आज हम लो वेस्ट पेंट की कटिंग करेंगे, जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई 36 इंच, कमर 32 इंच, हिप 37 इंच, जांग 22 इंच, घुटना 16 इंच, मोहरी 13 इंच और लटक 22 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किनार है, कपड़े को उल्टा बिछा लें डबल करके। ऊपर एक सीधा मार्क लगा लें लगभग आधा पौन इंच छोड़कर। उसके बाद टेप को मार्क से एक इंच ऊपर रखकर इस तरह निशान लगाएं। यहाँ टेप को एक इंच ऊपर कर लें। 36 इंच हमारी लंबाई है, 2 इंच मोहरी मोड़ने के लिए। ये एक इंच बेल्ट के लिए, बेल्ट 1.5 इंच का लगेगा, आधा इंच सिलाई दबाव में आए। अब इसके बाद हमारी लटक 22 इंच है, 22 का आधा 11, 11 में हम 3 इंच कम करेंगे, 8 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके नीचे एक 1.5 इंच पर जांग के लिए। हमारी लंबाई है 36 इंच, 36 का आधा करेंगे 18, 18 में 2 इंच प्लस करेंगे, 20 इंच पर घुटने का निशान लगाएंगे। अब इस तरह इन मार्क को सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा कर लें। यहाँ पर हमारी जांग का हाफ लें, ये किनार छोड़कर 24 का चौथाई लें, 6 इंच। सभी निशान पर 6 इंच पर इसी तरह निशान लगा दें किनार को छोड़कर। अब दोस्तों हमारा मोहरी है 12 इंच, सॉरी मैंने आप शुरू में आपको 13 इंच बताया था, मोहरी 12 इंच है। 12 का हाफ 6 इंच, 3 इंच ये सेंटर वाले निशान पर रखकर इस तरह 6 इंच पर निशान लगा लें। घुटना हमारा 16 इंच है, इस तरह 16 का आधा हाफ 8, 8 का आधा 4 पर सेंटर में निशान रख टेप रखकर इस तरह निशान लगा लें। ये हमारा 6 पे निशान रखकर 12 इंच पर इस तरह निशान लगा लें। अब यहाँ पर फलाई के लिए इस निशान से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लें और इस निशान से ये निशान नाप लें। ये हमारा 4.5 इंच में एक सूत कम है, इसको आधा इंच कम, 4 इंच में एक सूत कम यहाँ लगा लें। ये दो निशान से ये आधा इंच कम लगा लें। कमर है हमारी 32 इंच, यहाँ आधा इंच मार्जिन छोड़ें, ये 8 इंच पर यहाँ निशान लगाएं और आधा इंच मार्जिन इस तरफ सिलाई के लिए छोड़ें। टोटल
9 इंच पर निशान लगा लें। अब घुटने से मोहरी तक इस तरह सीधा मार्क लगा लें। इसको इस तरह क्रॉस कर लें। राउंड स्केल से इस तरह शेप दे दें, इसी तरह इस तरह। ऊपर इस तरह अब ये स्केल को देखें। इस स्केल को इस जगह पर रखकर इस तरह निशान लगा लें। भलाई के लिए इस तरह राउंड दे दें। यहाँ से हमारी चेन लगेगी। यहाँ से 4 इंच फ्रंट को डाउन कर लें। और इस तरह हल्का राउंड दे दें। चलिए फ्रंट को काट लेते हैं। ये हमने फ्रंट को काट लिया है। दोस्तों ये शुरू में स्ट्रेट जो मार्क लगाया था हमने, इसके ऊपर 4 इंच कपड़ा छोड़ा था। इसको छोड़ने का एक कारण है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। इसी तरह से इसको पलटा कर बिछा लें। इस तरह आधा इंच इधर कपड़े को छोड़ दें, आधा इंच ऊपर से बिछाएं। अब इसका यहाँ से ये सेंटर नाप लें 12.5 इंच। यहाँ भी उतना ही रखें। ये 13.25 आ रहा है, इसको थोड़ा कम करें। साढ़े 12 आ गया, इसको खींच लें। अब इस तरह से अब यहाँ से यहाँ आप 2 सूद बढ़ाकर निशान लगाएं। इस तरह से
ये हमारा फ्रंट यहाँ है, इसको 2 सूद बढ़ा है। उसी तरह यहाँ भी एक निशान लगा लें, यहाँ पर बराबर लगाएं, यहाँ पर भी बराबर लगाएं, इसको थोड़ा 2 सूद गिराकर सेंटर में बराबर रखकर यहाँ 2 सूद गिराकर एक सन लगा लें। ये फ्रंट से यहाँ 1/2 इंच दूर एक निशान लगा लें। और इस तरह से यहाँ मिला दें। यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर 1.25 इंच। देखिए दोस्तों, एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ 1/2 इंच कम, इसको नाप लें इस तरह, जो टेप आ जाए उसको यहाँ पकड़ें और उससे 1/2 इंच आगे पकड़ लें उसको इस तरह से। अब हमारी जांग 22 इंच है इस तरह। इस निशान पर यहाँ निशान लगा लें। इसी तरह हमने ये 1.25 लगाया, इसको चेक कर लेते हैं। 7.25, ये हमारा परफेक्ट 16.5 इंच। मोहरी पूरी 12 इंच। अब इस मार्क को इससे सीधा कर लें इस तरह। इसमें हम 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे। पौन इंच मार्जिन इस तरह से निशान लगा लें। फिटिंग की पेंट है दोस्तों, ताकि अगर टाइट रहे तो हम ढीला कर सकें। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 37 है। इस तरह से 1/2 इंच यहाँ छोड़कर यहाँ से लगभग 2.5 इंच ऊपर, 2.25 इंच ऊपर 1/2 इंच इधर छोड़ेंगे, 1/2 इंच इधर, 9 इंच पर निशान आया। 37.5 18 टेप को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह यहाँ निशान लगा लेंगे। हमारी कमर है 32 इंच, 8 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएं 1 इंच डॉट के लिए, या इस निशान से इस निशान में हल्का राउंड देकर इस तरह। इस निशान को इस तरह मिला लें। ये निशान के बाद डॉट जो भी आती है इसको हल्का राउंड ले लें, उतना डाल लें।
डार्ट हिप के हिसाब से, हिप और कमर में जो मार्जिन रहता है उस हिसाब से डार्ट आती है। इस निशान से आधा इंच नीचे आप या तो इस तरह से राउंड दे सकते हैं या मैं इससे देकर दिखाऊं। ये हमारा बहुत अच्छा राउंड आया, इस तरह लगाएं। दोस्तों कुछ लोग बहुत हल्का राउंड देते हैं जबकि हल्का राउंड नहीं देना चाहिए। हल्के राउंड देने में पेंट अंदर घुसती है। ये लीजिए, अब यहाँ पर जो निशान है यहाँ पे एक मार्क लगा लें इसकी सीट से, और जो घुटने का सेंटर है वहाँ पर टेप को रखें। ये हमारा यहाँ 1.25 इंच आ रहा है। इसी तरह ऐसे घुमा कर यहाँ पहले हम आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे, उसके बाद लटक टोटल नापेंगे। ये 3 इंच इस तरह छोड़कर 3 इंच यहाँ आधा इंच दबाव का छोड़कर 3 इंच को वहाँ रखकर इस तरह राउंड नाप लें। 10 यहाँ भी आधा इंच छोड़ें। ये हमारी परफेक्ट लटक आ चुकी है 22 इंच। इसको फ्रंट को बाद में ही ऊपर से काटें ताकि लटक कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसमें परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों ये राउंड कम ज़्यादा होने के कारण थोड़ा मेजरमेंट आगे पीछे हो जाता है, बाकी बहुत कम होता है ऐसे, इसलिए मैं इस तरह से काटता हूँ। ये मार्क लगा लें, 2 इंच मार्जिन है कमर के लिए। अब दोस्तों ये जो कॉर्नर है सीधे स्केल को इस तरह रखें और इस लाइन को इस तरह खींचें। इसके बाद इसी तरह मार्क लगा दें। हम इसको काट लें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। सवा 2, 7 इंच इस तरह मार्क कर लें।
3.5 3.5 यहाँ से 2.5 इंच पॉकेट 4.5 दोस्तों 1.25 इंच की डॉट आएगी तो हम 2 डॉट डालेंगे। साढ़े चार हाफ 2.25 पर एक निशान लगाएं, यहाँ से 2.25 इस साइड, 2.25 इस साइड, इस तरह स्ट्रेट लाइन खींच दें। इस तरह कुटके लगा लें। सभी कुटके उठा लें। ये मार्जिन का भी कुटका उठा लें। दोस्तों ये मार्जिन जो हम देते हैं दोनों पल्ले में, इसके निशान सीधे तरफ जरूर उठाएं ताकि हम फ्रंट को जोड़ें तो उस पर इस तरह से एक जैसे दोनों पैर जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।